हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु की महिमा हो। ओ लॉर्ड जीसस, हम आपका धन्यवाद करते हैं। परम प्रधान परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ओ स्तुतियों में निवास करने वाले परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं और आपकी महिमा करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ स्तुति के योग्य, आदर के योग्य प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। महिमा में परमेश्वर, आपकी स्तुति हो, महिमा हो। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज सुबह के समय के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। कितने लोग हैं जो आज की सुबह को देख नहीं पा, प्रभु में सो गए, लेकिन आपने पिता परमेश्वर हम सभी भाई बहनों को संभाल के रखा, अनुग्रह दिया, ताकि आज के दिन भी प्रभु जी हम आपके साथ साथ चल सके, आज के दिन भी हम आपके पीछे पीछे चल सके, आज के दिन भी हम पवित्रता को संभाल के रह सके, आज के दिन भी हम प्रार्थना में लवलीन रह सके, आज के दिन भी पिता परमेश्वर हम आपके आपको फॉलो कर सके, खुश कर सके, हालेलुया, विश्वास में स्थिर रह सके, प्रभु के पीछे पीछे चल सके और आपको खुश कर सके। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो और आपकी महिमा कर सके। धन्यवाद यीशु, प्रभु की स्तुति हो। सचमुच में आपने जो हमें नया दिन दिखाया, सभी लोगों को जीवन दिया, सांसें दी, पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु की स्तुति हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो हमारा परमेश्वर, मदद करने वाला, सहायता करने वाला प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा पिता, आपकी महिमा स्तुति तारीफ हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। ओ राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ओ मदद करने वाला, सहायता करने वाला, सचमुच में पिता परमेश्वर जो आपके पीछे हो लेते हैं, हालेलुया, जो आपको, आपसे प्रेम करते हैं, आप उनके जीवन में हालेलुया उनको ब्लेस करते हैं, उनको उनके शत्रुओं के हाल पर नहीं छोड़ देते हैं, बल्कि वहां से आप छुड़ाते हैं। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। सचमुच में जो अपना जीवन प्रभु को सरेंडर करता है, रोजाना जो प्रार्थना करता है, रोजाना जो प्रभु के पीछे चलता है, उसको परमेश्वर हर एक खतरा, मुसीबत और महामारी, हर परेशानी से बचाता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो। हालेलुया, आज आप चाहते अपने जीवन में छुटकारा। कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मुझे छुटकारा करे? कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मुझे आशीष दे? कितने लोग चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत काम करे? बहुत लोग कोरोना पॉजिटिव है, सांसों में फंसा हुआ, अटका हुआ, अजीब सा लग रहा है, समझ में नहीं रहा क्या करें। कई लोगों को कर्जाई हो चुके हैं, लेकिन प्रभु सचमुच में आप चाहते हो छुटकारा, आप चाहते हो अपने आपके चारों सुरक्षा रहे, आप चाहते हो कि कोई कोरोना, कोई महामारी आपको छू भी ना पाए, ऐसा हो सकता है। हालेलुया, यदि पहली बार आज के वचन का सुन रहे हैं तो ऐसा हो सकता है। हालेलुया, कोरोना आपको छू नहीं सकता, परमेश्वर आपको उस परिस्थिति से निकाल सकता है, आपको बदल सकता है, आपके जीवन को आशीष देने की ताकत और सामर्थ्य रखता है। यदि आप, आपको एक चीज करना है, हालेलुया, इन सभी चीजों को पाने के लिए, ये आशीषों को पाने के लिए आपको एक चीज करना है कि एक दिन में मिल जाएगी। हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई तांत्रिक में बाबा नहीं कि अगरबत्ती जलाए बस, कि बस धूप दिखा दो, नारियल फोड़ दो, ये दे दो, हालेलुया, ऐसे नहीं। हालेलुया, हमारा परमेश्वर को तांत्रिक बाबा नहीं है कि उसके पास हम जाएं तो मंत्र पढ़े तो वो फूंक दे तो वो चंगा हो जाए। हालेलुया, जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से पढ़ते हैं कि जो दाऊद जो था वो अभिषिक्त था, उसका अभिषेक किया गया। हालेलुया, वो जगह जंगल में जाता था, परमेश्वर की स्तुति में गीत गाता था, वो स्तुति करता था, प्रभु का धन्यवाद करता था। तभी तो जब दाऊद जो था, जब जंगल में जब वो जाता था, तो जब कोई जानवर उसके पर अटैक करते थे, हालेलुया, और तब परमेश्वर उसे बचाता था। जानवर उस पर अटैक नहीं वो करने की कोशिश करता था, लेकिन दाऊद उस पर जयवंत हो जाता था। ये बाइबल बताती है कि दाऊद जो है, हालेलुया, जयवंत हुआ, सिंहों को क्या कर दिया, हालेलुया, परास्त कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो अभिषेक में था, वो अभिषिक्त था और अभिषेक को संभाल के रखा था। हालेलुया, आज आप अपने जीवन में आशीषों को चाहते हैं, आप अपने जीवन जल्दी से मेरा बिजनेस टॉप में चला जाए, आप चाहते हैं कि मेरा काम जल्दी से बढ़ने लगे, आप चाहते हैं कि जो मैं बीमार हूं मैं तुरंत मैं ठीक हो जाऊं। हाँ, प्रभु कर सकता है, हालेलुया, लेकिन आप चाहते हो कि परमेश्वर को बचाए, आपके घराने को बचाए, आपको परमेश्वर छुटकारा दे, कोई कोरोना, कोई महामारी आपके निकट ना आने पाए। हालेलुया, तो वो अभिषेक है, वो अभिषेक को आपको संभाल कर रख रहा है। कई लोगों को तो पता ही नहीं कि अभिषेक है, कई लोग तो जानते नहीं कि ये अभिषेक क्या चीज है,
पवित्र आत्मा का अभिषेक, पवित्र प्लस आत्मा, पवित्र आत्मा को हमें संभालना है। वो अभिषेक में रोज भर के हमें प्रार्थना करना है। और वो कैसे? हालेलुया, रोजाना पवित्रता में चलने के द्वारा, रोजाना 2.5 घंटे प्रार्थना करने के द्वारा, रोजाना परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा। आज हम देखते हैं कि लोग जो सब कुछ पाना चाहते हैं लेकिन वो एक कदम भी परमेश्वर के साथ चलना नहीं चाहते। आज वो छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना उनको वो नहीं चाहते हैं। वो सोचते हैं बस जल्दी काम हो जाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। प्रार्थना में तो प्रार्थना करने के लिए, छुटकारा चंगाई को प्राप्त करने के लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन अगरबत्ती जलाने के लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा। माचिस जलाए और जलाए तो बस चढ़ा दो। लेकिन यदि वास्तव में आप चाहते हो कि आपका परिवार बचाया जाए, वास्तव में चाहते हो कि परमेश्वर के परिवार को उठाकर खड़ा करे, चंगा करे, आपके पति चंगा, आपके पत्नी चंगे, आपके बच्चे छुटकारा पाए, आप चाहते हो कि आपका पूरा परिवार उस कोरोना महामारी को परास्त कर दे, तो आपको भी क्या करना है? हालेलुया, लड़ाई लड़नी है। अभिषेक को आपको क्या नहीं करना है? तुच्छ नहीं करना है। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, हम अभिषेक जो प्रभु ने आपको दिया, जो अभिषेक आपको मिला, पवित्र आत्मा मिला है, उसको हम तुच्छ कर देते हैं अपवित्रता के रास्तों में चलने के द्वारा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दर्दों में हैं, जो अच्छे जो जवान लोग हैं, आज पढ़े लिखे होने के बावजूद भी आज उनको नौकरी नहीं मिल रही है। सब अच्छे से किया, सब कोर्स किया, फिर भी नहीं मिल रही है। इसका मतलब ये है, हालेलुया, कि वो क्यों उस लेवल पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज आज ये सब क्या है? शैतान क्या चाहता है? आपको नीचे दबाना चाहता है, आपको नीचे गिराना चाहता है। आप अच्छा पढ़ाई किए हो, सब कुछ किए हो, लेकिन फिर भी कोई नौकरी नहीं। अच्छा पढ़ाई वा करने वाले वो दूसरा कोई काम कर रहे, नौकरी कर रहे। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जिस हिसाब से आपने पढ़ाई की है, आपको नौकरी, आपको जॉब भी उसी कैटेगरी की मिलनी चाहिए। लेकिन जब शैतान जब अटैक करता है, जब उसके अटैक के नीचे आ जाते हैं, जब अंधकार की शक्ति छा जाती है, तब गरीबी, तब श्राप, तब गरीबी आ जाती है। जॉब नहीं मिल रही, ढूंढ रहे इतने साल से नहीं मिल रही। लेकिन ऐसा क्या हो जाता है? जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं तब सब कुछ बदल जाता है। कॉल आने लग जाती है कि आपके आपको बुलाया गया है। This is the good news. Praise the Lord. प्रभु की स्तुति, प्रभु का धन्यवाद। वो कैसे होता है? जब आप अपना जीवन को प्रभु के आगे सरेंडर करते हैं। लोग प्रार्थना तो कर लेते हैं, ठीक है चलो बाइबल भी पढ़ लेते हैं, लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह को फॉलो नहीं करना चाहते, उसके पीछे पीछे नहीं चलना चाहते, अपनी मनमानी करना चाहते हैं। यदि सचमुच में आप चाहते हो, आप छुटकारा, चंगाई, ब्लेसिंग चाहते हैं कि कोरोना आपके डेरे के निकट नहीं आए, तो आपको भी वो प्राइस, वो मूल्य चुकाना पड़ेगा। प्रभु की स्तुति हो। वो कैसे चुकाना है? पवित्र पवित्रता में चलने के द्वारा, फॉलो करने के द्वारा, जीसस के पीछे चलने के द्वारा। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। जब मुझे परमेश्वर ने वरदान दिया, भविष्यवाणी का वरदान दिया, परमेश्वर ने मुझे विजन दिया, तो सबसे फर्स्ट वर्ड परमेश्वर ने मुझसे बात किया, फॉलो मी। फर्स्ट जब भी मैं प्रेयर करती थी, प्रभु यही कहते था कि फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी, फॉलो मी, मतलब मेरे पीछे चल, मेरे पीछे चल, मेरे पीछे होले, पूर्ण रीति से पीछे होले। प्रभु की स्तुति। बस यही चीज लोगों के जीवन में कमी है, विश्वासियों के जीवन में कमी है। आज इसीलिए वो शैतान के अटैक के नीचे क्यों रहते हैं? क्योंकि पवित्रता ही नहीं है। आज वो गरीबी में क्यों रहते हैं? आज परेशानी में क्यों रहते हैं? क्यों उनका बिजनेस ग्रोथ नहीं करता? आज क्यों कोरोना से इतने लोगों मृत्यु को प्राप्त करें? इवन बिलीवर्स, इवन कौन लोग, विश्वासी लोग, क्योंकि पवित्रता को संभाल के निकल के अभिषेक को तुच्छ जाना, गलत कामों को करने के द्वारा। अभिषेक को क्या कर दिया? तुच्छ जाना, झूठ बोलने के द्वारा, बेईमानी का काम करने के द्वारा। हालेलुया, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। जब हम अनाइटिंग के आदर करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, हालेलुया, जब हम उसके पीछे चलते हैं, जब हम पवित्रता में स्थिर रहते हैं, जब हम रोजाना हम प्रेयर करते हैं, 2.5 घंटे जब हम प्रेयर करते हैं, मतलब समय का दशमांश देते हैं, रोजाना प्रार्थना करते हैं, वो जब 2.5 घंटे से यदि और बढ़ जाए प्रेयर, तो बहुत ही सोने पे सुहागा वाला काम करता है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। यदि आप सुरक्षा चाहते हैं आपके घर के चारों, आप चाहते हैं कि कोरोना महामारी ना आने पाए, कई कई परिवार में तो एक नहीं, दो दो डेड हो गई, कितनी मौतें हुई, चार चार हुई है, बहुत दुख की बात है। हालेलुया, लेकिन ये परमेश्वर का वचन किनके जीवन में पूरा होता है? कि कोई महामारी तेरे निकट नहीं आएगी। हालेलुया, कोई डेरे के निकट वो दुख नहीं आएगा। किनके जीवन में? जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया, हमें शांति कहाँ मिलेगी? हमें जीवन कहाँ मिलेगा? हमें सांस कहाँ मिलेगी? हमारे घर के चारों ओर वो बाड़ा कैसे लगेगा, कैसे बंधेगा? जो गुप्त स्थान में कौन है, वो कौन है? हमारा परमेश्वर है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह, हालेलुया, जब उस प्लेस में हम बैठते हैं, उस जगह में जाते हैं, तो हमें शांति मिलती है, हमें छुटकारा मिलता है,
हालेलुया कौन सी जगह है? हालेलुया वो गुप्त स्थान आखिर है कौन जहाँ शांति मिलती है? परमेश्वर के पास एक गुप्त स्थान है जहाँ हमें प्रभु शांति देता है, हमें हमारे चारों ओर परमेश्वर क्या करता है? सुरक्षा बांधता है। कोई दुष्ट आपको छू नहीं पाएगा यदि आप उस गुप्त स्थान में जाओगे। अब गुप्त स्थान का मतलब कोई गुफा नहीं है, कोई पहाड़ नहीं है। हालेलुया वो कौन सा स्थान है? प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आखिर है ऐसा कौन सा स्थान है? जब हम परमेश्वर के सम्मुख बैठते हैं, प्रभु को खोजते हैं, प्रार्थना करते हैं, उससे बात हम बोलते हैं कि उस परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जो बैठते हैं पसंद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आपका मन करे चाहे ना करे, लेकिन तब भी आप प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब हालेलुया प्रभु का धन्यवाद। और जब ऐसा ही करते हैं तो आप गुप्त स्थान में वास करते हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं हालेलुया प्रभु की स्तुति हो धन्यवाद यीशु, हमारे जीवन में भी वो घर बनता जा रहा है। वो लोगों को दिखाई नहीं देगा, ये आत्मिक है। वो गुप्त स्थान क्या? वो आत्मिक है। प्रार्थना करने के द्वारा वो बनते जाता है, वचन पढ़ने के द्वारा बनते जाता है। परमेश्वर के वचन को सिर्फ पढ़ना ही नहीं, उसके पीछे चलते चलते जाने के द्वारा हमारा घर बनते जाता है। अब हम उस घर में आ जाते हैं कैसे? रोजाना प्रार्थना करने के द्वारा। अब बताओ शैतान को भी पता नहीं, अरे ये मैं तो उसको छू भी नहीं पा रहा हूं, मैं तो उसको मृत्यु देना चाहती हूं, पर मृत्यु शैतान आपके ऊपर लाना चाहता है पर वो असफल हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप रोजाना कौन से स्थान में निवास करते हो? गुप्त स्थान में जहां परमेश्वर है, उसकी खोज में लगे रहते हो। आप रोजाना प्रार्थना करते हो, पवित्रताई में चलते हो, तो कोई कोरोना हो, कोई महामारी हो, वो छू नहीं सकता। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस। यदि तुम मुझ में बने रहे तो मैं तुम में बना रहूंगा, कोई तुम्हें छू ना पाएगा, किसी भी भली वस्तु की कमी घटी ना होने पाएगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। सचमुच में यदि आप परमेश्वर में बने रहते हैं, इसका मतलब क्या है कि आप वो गुप्त स्थान में, वो प्रार्थना में बने रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप प्रभु के पीछे चलते हो हालेलुया, तो जो आप मांगोगे वो आपके जीवन में प्रभु सब कुछ पूरा करके देगा। हालेलुया आपकी परिस्थिति बदलना शुरू हो जाएगी। आपका विश्वास हर समय स्थिर रहना चाहिए, मतलब ये है डगमगाना नहीं चाहिए। कभी आप मजबूत हो जाते हैं विश्वास, होते कभी डाउन हो जाते हो, मतलब हर टाइम आपको प्रभु पे विश्वास करना है। वो क्या कहता है? मैं हर समय मैं तुझे धन्य करता रहूंगा, मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, मैंने मेरा भरोसा तो परमेश्वर सिर्फ तुझी पर है, दाऊद कहता है। हालेलुया जिसका आश्रय, जिसका आधार परमेश्वर है, वो कभी क्या नहीं हो सकता, वो गिर नहीं सकता। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में जब हम रोजाना प्रार्थना करते हैं तो हम गुप्त स्थान में चले जाते हैं। हालेलुया जब हम परमेश्वर के स्थान में चले जाते हैं, हालेलुया जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, तो कोई दुख हो, कोई समस्या हो, तो आपके जीवन से भाग जाता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया प्रभु का धन्यवाद हो, और परमेश्वर आपको शांति देता है। धन्यवाद यीशु। तो इसी आज ही बोले कि प्रभु जी मैं रोज प्रार्थना करूंगा, मैं उस गुप्त स्थान में जाऊंगा, वही सुरक्षा है हमारी। क्या लिखा है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। प्रेज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आज हम देखते हैं और लोग परेशान है, दुखित है, समस्याओं में जकड़े हुए हैं। आज देख रहे हैं कि कोरोना महामारी की वजह से दुखों को उठा रहे हैं, परेशानियों को, लोग अपने परिजन को खो दिया है। लेकिन एक स्थान है जहाँ पर बच सकते हो, वो है परमेश्वर का स्थान, वो है गुप्त स्थान जहाँ कोई शैतान भी को छू नहीं सकता, दुष्ट को छू नहीं सकता। हालेलुया डेरा सरीखा घर तो गिराया जाएगा, लेकिन जो रोजाना है ना प्रार्थना करने के द्वारा घर बनते जाता है, आत्मिक घर बनते जाता है, वहां पर परमेश्वर आपको छिपाता है। हालेलुया आपको बचाता है, आपको संभालता है, हर खतरों मुसीबतों से आपको संभालता और बचाता है। हालेलुया यदि आप आज परमेश्वर के गुप्त स्थान में है, हालेलुया यदि सचमुच में रोज परमेश्वर में बने रहते, प्रभु के पीछे चलते, आपका विश्वास प्रभु में बना रहता है, अड़े खड़े रहते हैं, हालेलुया, तो कोई दुश्मन आपको छू नहीं सकता, कोई महामारी आपको छू नहीं सकती, कोई बीमारी आपको छू नहीं सकती। प्लीज बी टू गॉड, थैंक यू जीसस, हालेलुया। कोई चीज आपको छू नहीं सकता यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। संकट में पड़ चुके थे शद्रक मेशक अबेदनगो, लेकिन वो स्थिर रहे प्रभु में, तब परमेश्वर ने उन्हें बचाया और छुड़ाया। दाऊद भी कितनी बार वो संकट में सके थे, फंस गया, पड़ गया, लेकिन वो परमेश्वर में भरोसा रखता था और तब परमेश्वर ने उसे बचाया। कई लोग सोचते हैं, कई लोग प्रेयर रिक्वेस्ट कर बोलते हैं और बोलते हैं मैंने प्रार्थना करो, लेकिन खुद की कोई प्रार्थना नहीं।
तो फिर कैसे काम होगा? आपको भी प्रार्थना करना पड़ेगा। हम तो करते हैं प्रार्थना, लेकिन आपको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा, आपको भी प्रार्थना करना पड़ेगा। उस गुप्त स्थान में जाना है, आपको छिपे स्थान में जाना है, हाले जहां पर आपकी सुरक्षा है। हालेलुया। लोग 5 मिनट, कोई 10 मिनट प्रार्थना करता है। आप कैसे कोरोना से लड़ोगे? आप कैसे महामारी को परास्त करोगे अपने जीवन से? 5 मिनट की प्रार्थना के द्वारा, 10 मिनट की प्रार्थना के द्वारा आपको रोजाना। अब वो वाला समय खत्म हो गया कि चलो 5 मिनट कर ले, चलो 10 मिनट कर लिए। हालेलुया। ये कब से चला रहा है? रोज आप परमेश्वर के वचन को सुनते हो, रोज समय का दशमांश, रोज प्रार्थना करें। बल्कि थोड़ा प्रार्थना नहीं, जब तक पवित्र आत्मा अगुवाई करता है प्रार्थना करें, जब तक आपकी आंखों से आंसू ना निकले, जब तक आपका आत्मा आप परमेश्वर से जुड़ ना जाए, जब तक आप पवित्र अभिषेक से भरकर प्रार्थना नहीं करें। जब आपको आत्मा जैसे अगुवाई करता वैसे प्रार्थना करें, रोजाना प्रार्थना करें, रोजाना प्रार्थना करें, परमेश्वर के सम्मुख बैठे, तब वो परास्त हो जाएगा। कौन बीमारी? वो शैतान, वो स्पिरिट, वो अंधकार की शक्ति आपको छोड़ के जाएगी। इसलिए 5 मिनट 10 मिनट नहीं, 5 मिनट क्या आप वर्शिप कर लेते हो? 10 मिनट में क्या आप गीत गा लेते हो, तारीफ कर लेते हो, स्तुति कर लेते हो? हालेलुया। परमेश्वर स्तुतियों में निवास करने वाला परमेश्वर है। वो कैसे आएगा, वो कैसे आपको देखेगा? जब हम रोजाना प्रभु के निकट बैठेंगे, रोजाना परमेश्वर की उपस्थिति में हम प्रार्थना करेंगे, खोजेंगे प्रभु को, उसकी वाणी को सुनने के लिए, प्रभु की स्तुति हो, तब परमेश्वर आपको छुटकारा देगा, आपको परमेश्वर चंगा करेगा। कोई महामारी आपको छू नहीं पाएगी, तब ये वचन उनके जीवन में पूरा होता है कि कोई महामारी छू नहीं पाएगी, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? यदि आज भी आप 5 मिनट प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर से माफी मांगे, प्रभु जी मैं आपको अपना समय का दशमांश नहीं दे पाया, प्रभु जी मुझे माफ कर दे, मुझे प्रार्थना करने का आत्मा दे और अभिषेक दे। आज से आपका मन करे चाहे ना करे, ऐसा व्यक्ति विजयी होता है। ऐसा बिलीवर्स, ऐसा विश्वासी जो फतह पाते उस महामारी, उस बीमारी पर, उस समस्या पर, जो सचमुच में उसका मन करे चाहे ना करे प्रार्थना करने का, लेकिन तब भी प्रार्थना करने बैठता है। उसका मन करे चाहे ना करे बाइबल पढ़ने का, लेकिन तब भी वो वचन को मेडिटेट करता है, पढ़ता है, परमेश्वर पीछे चलता है, तो वो भी व्यक्ति विजयी होता है। इसलिए अब आपको दृढ़ निश्चय करना, आपको सोचना, आपको क्या करना है। हालेलुया। को रोजाना प्रार्थना करना, परमेश्वर के समक्ष बैठना है। ओ धन्यवाद यीशु, प्रार्थना करें मेरे साथ मिलकर, बोले परमेश्वर मेरी सहायता कीजिए। ओ लॉर्ड जीसस, बोले परमेश्वर डिसीजन ले कि आज से प्रभु जी मैं प्रार्थना करूंगा, कल नहीं परसों नहीं बल्कि आज से मैं प्रार्थना करूंगा, मैं वचन को पढ़ूंगा, प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। सचमुच में फिर आप जो कैटेगरी का आपने पढ़ाई किया तो परमेश्वर आपको जॉब के साथ ब्लेस करेगा। हालेलुया। को परमेश्वर घर के साथ ब्लेस करेगा, आपको जीवन को नाश होने से बचा लेगा, आपके घर में कोई अकाल ना पड़ेगा, ना कोई मृत्यु होगी। यीशु के सामर्थ्य नाम में तू बचा रहेगा, तू जीवित रहेगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा, कोई महामारी से तुझे कुछ हानि ना होगी। मैं प्रार्थना करते आपके जीवन से हर एक परेशानी खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करते इसी वक्त जो डिसीजन ले रहे हैं सच अद्भुत कामों को देखने वाले हैं। मैं प्रार्थना करते प्रभु जी प्रार्थना करने का आत्मा दे हर एक जन को। मैं यीशु के नाम में कवर करते हर एक जन को, सभी को आपके हाथों में समर्पित करती हूँ। ओ प्रभु जी दया कर दो, दया कर दो हर एक जन को। जितने लोगों ने आज वचन को सुना है वो मदद कीजिए, सहायता कीजिए, अनुग्रहकारी विलंब से को करने में अति करुणामय पिता परमेश्वर। ओ राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। रबगति रड़बश्यंत रड़बकति। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त आपके जीवन से परिवार से एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती आपका जीवन आशीष में होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती आत्मिक जीवन में मजबूत हो जाए। मैं प्रार्थना करती ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। ओ राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु। रबगति रड़बश्यंत रड़बकति रड़बश्यंत रड़बकति रड़बगति। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रार्थना करती इसी वक्त आपके जीवन से एक बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती ईश्वर के समर्थक का परिवार आशीष वाला होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करती आपके जीवन से के परिवार से कोरोना महामारी हमेशा के लिए जाए। मैं प्रार्थना करती दुख आपके जीवन से खत्म हो जाए। ओ रब खत्ती रड़बश्यंत रड़बकति रड़माने रबंकति रड़बगति रड़बगति। ओ रब संत रड़बखत्ती रड़बश्यंत रड़बकति रड़बगति रड़बगति। ओ धन्यवाद 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 धन्यवाद। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका परिवार बचा जाए। यीशु के नाम में कवर करती हूँ। हालेलुया। सर दुख के बाड़े में रखती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन से परिवार से बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जीवन आशीषमय वाला होकर बदल जाए। हालेलुया। प्रभु मदद कर, सहायता कर, गुप्त स्थान में वास करे। प्रार्थना के द्वारा ही वास कर सकते हैं, तब कोई दुष्ट आपको छू नहीं पाएगा, कोई बीमारी आपको छू ना पाएगी। हालेलुया। धन्यवाद यीशु धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती इसी वक्त जो दर्दों में, बीमारियों में, समस्याओं में, जो कोरोना पॉजिटिव है, जो महामारी में है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, यीशु के सामर्थ्य में मेरे दुख तक ले जाए।
मैं प्रार्थना करते दर्द हर एक रोग समस्या आपके जीवन से आपके परिवार से जाए। मैं प्रार्थना करते दुख तकलीफ आपके जीवन से जाए। गेट आउट इन द मटेरियल ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करते आपका जीवन आशीषमय वाला होकर बदल जाए। मैं प्रार्थना करते आपका परिवार बचाया जाए के समर्थ में। मैं प्रार्थना करते हर एक दर्द हर एक मुसीबत हर एक रोग आपके जीवन से परिवार से जाए। जितने हॉस्पिटल में है यीशु के समर्थ में रोग समस्या जाए। गेट आउट इन द मटेरियल ऑफ जीसस क्राइस्ट। बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द मटेरियल name of Jesus Christ. O raba khatira daba shantira daba ketira daba khatira daba khatira. O raba santira daba khatira daba shantira daba ketira daba khatira. मैं प्रार्थना करती इसी वक्त आपके जीवन से आपके परिवार से बंधन टूट जाए। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। ओ रबा शंतरा लबा कतिरा डबा शंतरा डबा कतिरा डबा कतिरा डबा कतिरा। मैं प्रार्थना करती आपके जीवन से परिवार से बंधन टूट जाए। प्रभु प्रार्थना करने का आत्मा दे हर एक जन को। हालेलुया, वचन पढ़ने के लिए अनुग्रह दे, आत्मिक जन पढ़ने के लिए मदद कर, सहायता कर। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती जो हॉस्पिटल में एडमिट है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती प्रभु ऑक्सीजन की कमी को पूरा कर। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य आपके जीवन से आपके परिवार से बंधन टूट जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मैं प्रार्थना करती यीशु मसीह के सामर्थ्य आपके परिवार से एक श्राप टूट जाए, वो बंधन चल टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, जो बीमार यीशु के सामर्थ्य नाम में, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड। मैं प्रार्थना करती जो कैंसर से पीड़ित है, जो जिनके हार्ट में प्रॉब्लम है, जिनके पेट में समस्या, पेट में कोई रोग है, मैं प्रार्थना करती जो कोई भी कैंसर के न हो यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। हर तरह के पीलिया से आजाद हो जाए, हर प्रकार के रोग से आजाद हो जाए, हर एक कमजोरी खत्म हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ घबराहट खत्म हो जाए, दर्द खत्म हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम जाए इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। सर्दी खांसी बुखार जिनका यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। जितने लोग प्रार्थना की मांग की, रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, मैं प्रार्थना करती बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड इन द मैटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। प्रभु छुटकारा दे दिए, धन्यवाद करते जो हड्डी के रोग और समस्या यीशु के सामर्थ्य नाम में जाता हो जाए। मैं प्रार्थना करते शुगर बीपी की प्रॉब्लम गेट आउट इन द मैटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैं प्रार्थना करते स्किन की एलर्जी खत्म हो जाए। प्रार्थना करते डिप्रेशन जिनको अस्थमा की है, थायराइड की जिनको प्रॉब्लम है, जो गले में रोग और समस्या है, मैं प्रार्थना करते जो खाना नहीं खा पाते, ना निगल पाते हैं, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। उनको अटका हुआ फंसा हुआ लगता है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे जाए। पेट का दर्द जाए, सर्वाइकल की प्रॉब्लम जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के रोग समस्या आजाद हो जाए। जो नस दबी हुई है यीशु के सामर्थ्य नाम में खुल जाए, चंगे हो जाए। हर प्रकार की जो स्वेलिंग आपकी बॉडी में, कहीं पर भी स्वेलिंग है, यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। प्रभु चंगा करने वाला है, छुटकारा देने वाला है। ओ प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो। ओ धन्यवाद, धन्यवाद। रब का तिरड़ बशा तिरड़ बके तिरड़ बके तिरड़ बशा तिरड़ बके तिरड़। मैं प्रार्थना करती चंगे हो यीशु के सामर्थ्य नाम। ओ रब शांति रड़ बके तिरड़ बके तिरड़ बके तिरड़ बके तिरड़ बके तिरड़। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ओ मदद करो, सहायता करो यीशु के सामर्थ्य नाम में। आजाद हो जाए, चंगे हो जाए। हर प्रकार की परेशानी आपके जीवन से, आपके परिवार से जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ धन्यवाद यीशु, छुटकारा देने के लिए आपका धन्यवाद करती, चंगा करने के लिए आपका धन्यवाद करती। सर प्रार्थना को सुनकर उत्तर देने वाला प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू जीसस। आपकी आर्थिक समस्या जाए, हर प्रकार की रोग समस्या जा चुके, धन्यवाद करती हूँ। जो चल नहीं सकते वो चलने लगे, जो बोल नहीं सकते बोलने लगे, हर एक परेशानी जा चुकी, धन्यवाद करते। झुक नहीं पाते यीशु के सामर्थ्य नाम में। देखे चेक कर, हम चंगे हो चुके हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु की महिमा हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। छुटकारा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, चंगाई के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। सारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारी साथ हमारी मददगार आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। अनुग्रहकारी बिना से कोई अनुमति करने में आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करती हूँ। हर एक आर्थिक समस्या जा चुकी, मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जिनके रुके पैसे रुके हैं, फंसे हुए हैं, यीशु के सामर्थ्य नाम में रिलीज करती हूँ। जिनके काम बंद पड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में चलने लगे और काम रिलीज करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका बंद बिजनेस खुल जाए और आशीषों को लेकर आए, मैं प्रार्थना करती हूँ। हालेलुया, आपके अकाउंट को, आपके बैंक को ब्लेस करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपके जीवन में, आपके परिवार में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए। परमेश्वर की हर एक जरूरतों को पूरा करके दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ। सर प्रार्थना को सुन ले प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक जन को मैं यीशु के लहू में कवर कर देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सर प्रार्थना को सुन ले, आपका धन्यवाद करते हैं। हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते हैं। बच्चे को यीशु के लहू में कवर करते, जो खड़े नहीं हो पाते बच्चे, जो जो कुछ कर नहीं पाते अपने आप से,
मैं प्रार्थना करती हूँ चंगे हो जाए के सामर्थ्य नाम में। जो चल नहीं पाते चलने लगे ईश्वर के सामर्थ्य, बल आ चुका ईश्वर के सामर्थ्य, चंगे हो चुके ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जो खाना नहीं खाते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में खाना खाने लगे ईश्वर के सामर्थ्य नाम में। जो दुष्ट आत्मा तंग करती है, गेट आउट इन द मैटेरियल ऑफ जीसस क्राइस्ट, प्रभु छुटकारा दे दे। प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ। टूटा परिवार जोड़ जाए ईश्वर के सामर्थ्य नाम, हर प्रकार के नशे से आजाद हो जाए। छुटकारा देने के लिए, चंगाई देने के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। वो नशे जा चुके, धन्यवाद करती हूँ। हर एक अपवित्रता आपके जीवन से दूर हो, हर एक गंदगी चीज आपके जीवन से दूर हो। सारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आत्मिक जीवन में बढ़ते जाओ, प्रार्थना करने का आत्मा दिए, धन्यवाद करते हैं। आपका आगमन बहुत निकट, उसको तैयार कीजिए। और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी समय में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे पतना से मांगती हूँ, सुनिए और कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु यीशु की स्तुति हो। तो आज की प्रार्थना को शेयर करना न भूलें, अपनी गवाही को वीडियो रिकॉर्डिंग करके शेयर करें। प्रार्थना बने रहें, अड़े और खड़े रहें। और जो भाई बहन प्रार्थना करवाना चाहते हैं, प्रेस सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। अपनी गवाही को देना ना भूलें। और लगातार प्रार्थना कर मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, ताकि परमेश्वर के कामों को कर सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य प्रस्तुत कर सके। और निभेट अपनी धस गया अपने ऑफरिंग को नेट पेमेंट के थ्रू, बैंक के थ्रू दे सकते हैं। लगातार प्रार्थना करें, इंडिया के लिए प्रार्थना करें लगातार, और हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। और जितने प्रे रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, हम सभी आपके लिए प्रार्थना करें। लेकिन आपको भी परमेश्वर के प्रेजेंस बैठना है और प्रार्थना करना है। प्रभु में सदानंदित रहे, प्रभु को आशीष से और आगे बढ़ाएं। आप सभी लोगों को जय मसीह की।